सर, एक घमंडिया गैंग बना था मोदी के खिलाफ, उसमें सबसे ज्यादा फुदक फुदक के बोल रहा था नीतीश कुमार संयोजक बनना, वो तो घुटने के बल करके शुरू हो गया। कल हम लोगों ने बात करी थी अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने और अब जहर उगला है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में कांड कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा कांड तो धुर्तवाल ने कर दिया है। धुर्तवाल ने कांग्रेस से दिल्ली छीन लिया, पंजाब छीन लिया, और इसको सता सता करके, इसको अभिषेक मनु सिंघवी दे करके, इसको जेल जाने से कांग्रेस बचा रही है। और इसने मध्य प्रदेश में 230 के 230 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। मोदी के लिए काम कर रहा है क्या है केजरीवाल? एमपी में ये खलिहर खैराती और खैराती परसेप्शन गढ़ रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अरे काहे का कांटे की टक्कर? वहां वहां गाली दे रहा, बीजेपी से ज्यादा गाली अखिलेश यादव दे रहा है। चिरकुट कह रहा है कमलनाथ को, चिरकुट। और उसके बाद ये महा चिरकुट, इसने तो 230 के 230 सीट पे खड़ा कर दिया। सर क्या होगा घमंडिया का? मनीष जी, 3 3 दिसंबर है मेरे ख्याल से, 3 या 5 दिसंबर है ना तीन चुनाव की दिसंबर डेट, तीन 3 दिसंबर दिसंबर परिणाम का दिन आने दीजिए। जिस समय सारे सर्वे बता रहे थे और यहाँ कुछ यूट्यूब पे भी लगे हुए थे कि बड़ी कांटे की है और कांग्रेस को बड़ा था, तब शायद हम लोग अकेले ही थे। हमने कहा था ना कि 130 भाजपा, 130 पार हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन 130 तो है ही है। तो ये सब जो लक्षण अभी आपको दिखाई दे रहे हैं है ना, कि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो ये पूत पूत जो है पालने में नहीं है, पूत अब पालने से कूद के जमीन पे आ गया है और आपस में एक दूसरे के बाल खींच रहा है कि, और जैसे कहते ना वो तेरी ऐसी की तैसी, तो अब वो जो इस नौबत पे आ गया है। और 3 दिसंबर तक आने दीजिए, अभी क्या क्या होगा। फिलहाल वहां मध्य प्रदेश में सरकार बन रही, दर्शक पहले जान लें। और दूसरे मनीष जी, इनके लिए क्या कहा जाए, वो 230 उसमें एकदम से आया। ये गठबंधन है, ये नरेंद्र मोदी खिलाफ खड़े होंगे अभी। ये मध्य प्रदेश में एक दूसरे की कालर पकड़ के गाली बकेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोग फिर मई जून अप्रैल में हम लोग फिर आएंगे साथ, तब हम लोग साथ आएंगे। तो ये तमाशा है, सर, तमाशा हो रहा है राजनीति के नाम पे। ऐसा ऐसा भद्दा फूवड़ तो कभी नहीं हुआ पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी इस तरह का मतलब विरोधाभासी गठबंधन तो मनीष जी कभी नहीं हुआ। जब जो भी होते थे फिर वो एक साथ होते थे, फिर वो आपस में कम से कम इस तरह के जूता पैजार वो नहीं करते थे। और एक दिन मनीष जी किसी ने पूछ लिया था, मेरे ख्याल से मैंने पहले आप दर्शक थे, कि ये बताइए कि जूते में दाल बटने का मतलब क्या होता है। तो अब जो आपको स्थिति नजर आ रही है, इस स्थिति से पहले की जो स्थिति होती है उसको जूते में दाल बटना कहते हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जूते में दाल अब बढ़ चुकी, अब ये इसका दूसरा चरण आ गया है। तो मनीष जी देखिए, अखिलेश यादव ने आज जो धोया उसके तो सफाई देना मुश्किल पड़ेगा कांग्रेस को। ये बात तो भाजपा को पूछनी चाहिए थी। भाजपा अभी मेरे ख्याल से कुछ संभाल के रखे थी कि उसने कहा कि जाति जनगणना की सबसे बड़ी विरोधी तो कांग्रेस है, ये राहुल गांधी जो ठेकेदार बना घूम रहा है पूरे जाति जनगणना का, तो इसका मुंह पे काली तो अखिलेश यादव ने पोत दी। ये इसने कराने के बाद इन्होंने नहीं किया तो ये सबसे बड़े विरोधी ये है। तो अभी तो ये शुरू अब काली पोतने की शुरुआत हुई है। ये आप दिसंबर आते आते मैंने कहा ना, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भगवान राम सारी बाधाएं पार कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये। तब तक लड़ भिड़ के इसी तरह इनका जुलूस निकल चुका होगा। और इनकी इसी कलह में मनीष जी, जिसको मैं निकला हुआ मान रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस जीत जाए, तो लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में भी सीमेंट लगा देंगे कि निकलने कोई सवाल रहेगा नहीं, वहां भी नाश पड़ देंगे। ये ऐसी एकता हो रही है, ऐसी एकता हो रही है, गजब। ये अद्भुत एकता है सर कि कांग्रेस अपना अभिषेक मनु सिंघवी देती है केजरी के चोरों को, शराब माफियाओं को जेल से बाहर निकालने के लिए। वैसे अब तक एक भी जेल से बाहर निकाल नहीं पाया, ना अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को बाहर निकलने दिया, ना सिसोदिया को बाहर निकलने दिया, ना क्या नाम है उसका सत्येंद्र जैन, वो भी बीमारी के बहाने है। अब ये संजय सिंह गया है, अब तो तय हो गई है कि आम आदमी पार्टी पर बैन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी और केजरी जाएगा। क्या आपको लगता है कि केजरी ने कोई गुप्त सौदा करने की कोशिश की है कि मेरी पार्टी को बचा लो, माए बाप
पार्टी को मत, क्योंकि जो ही पार्टी पर चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पार्टी नामजद होगी, पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, और मान्यता जो ही आम आदमी पार्टी की खत्म होगी, केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा। और इस फोर्ड फाउंडेशन से कैसे इस पार्टी का निर्माण हुआ, देश के खिलाफ क्या कुछ साजिश हुआ, सब खुल जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश में तो केजरी का कुछ है नहीं, ये क्या कांग्रेस का कांड करने के लिए आए ये केजरी पार्टी, और उसके बाद भी ये खलिया खैराती और खैराती टीवी पर बांच रहे, बराबर का टक्कर है, बराबर का टक्कर। कैसा बराबर का टक्कर है? पिछली बार तो लोग नाराज थे मामा से कुछ हद तक, तो उन्होंने नोटा सोटा दबा दिया। अब उन सबको गलती का एहसास है, कोई हमने क्या गलती कर दिया। पिछली बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो उधर थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने पावरफुल है, जो चीफ मिनिस्टर पद के सही मायने में उम्मीदवार थे वो इधर है। तो आंख में फूटा हुआ कि इन खैरातियों को, जो ये अपने आप को पॉलिटिक्स का जो ये गुर्द समझते हैं, इन चिरकुटों को, इन भारत द्रोही पत्रकारों को आंख फूटा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले चुनाव में उधर थे वो इधर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई सामान्य नेता तो है नहीं, वो अखिलेश यादव कमलनाथ को चिरकुट भले ही कह दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिरकुट नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। जब कांग्रेस में थे तब भी हम लोग उनको चिरकुट, मतलब आदमी चिरकुट नहीं मानेगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये कैसा परसेप्शन इस देश के खैराती गढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांटे का टक्कर है, ये षड्यंत्र क्या है इसका? नहीं मनीष जी बेचारे ये कहना ही चाह रहे हैं, वो ये कह नहीं पा रहे कि इनको कि बराबर का पैसा मिल रहा है इनको, तो ये कह रहे हैं, वो तो कह नहीं सकते, तो इसी बात का पैसा मिल रहा है कि बराबर की टक्कर बताओ। मनीष जी क्या मैं इस पे कहूँ, एक दिन हम लोग पहले भी कह चुके हैं, मध्य प्रदेश का तो खैर हम लोगों ने बताया था, राजस्थान का एक ऐसा तथ्य है कि उसके बाद तो कांग्रेस को राजस्थान में एक सीट नहीं मिलनी चाहिए। वो छोटा कुर्ता, वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है, तो हो सकता है 10-20 सीटें मिल जाए, अन्यथा अब तो वो रह जाती। मेरे ख्याल से शायद हम लोग अब कल जरूर करेंगे मनीष जी, कि वो एक ऐसा तथ्य है कि अगर उसको भाजपा ठीक से राजस्थान की जनता तक पहुंचा दे मनीष जी, तो मेरा दावा है कि इनको एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, कांग्रेस अपराधी पापी सिद्ध हो जाएगी उस राजस्थान की जनता की। तो ये उसको एक खैराती बताते हैं, बराबर की टक्कर है, ये माहौल बनाया करते हैं, तो इनके लिए क्या कहा जाए? ये सिर्फ पैसा खा के, पैसा नाच के नाचा करते हैं कि जो पैसा देगा उसके लिए नाचेंगे। मध्य प्रदेश का जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन हम लोग सामने बैठेंगे, और राजस्थान की तो असलियत बताऊंगा तो कांग्रेस को तो एक एक सीट के लाले पहले ही पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन अब तो निश्चित पड़ जाने चाहिए। अब तो एक ऐसा तथ्य है कि बिल्कुल सामने है कि कितना राजस्थान के लिए कांग्रेस कितनी घातक सिद्ध हुई है, कितनी घातक सिद्ध हुई है। मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी राज्य की सरकार उस राज्य की जनता के लिए इतनी घातक नहीं सिद्ध हुई होगी जितने 5 साल में राजस्थान सिद्ध हुई है। और कल मनीष जी हम लोग निश्चित बात करेंगे इस पर, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अब स्टेट वाइज भी करेंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चीजें साफ हो गई है। अब मध्य प्रदेश, तो मैं फिर कह दूं मध्य प्रदेश निश्चिंत रहिए, इसी तरह तमाशा होता रहेगा, और 130 मेरी अपनी हुआ है। बिल्कुल, चलिए, आपने उत्तर प्रदेश में जो दावा किया था, जो ठोका था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही हुआ। मुझे लगता है कि यूपी जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले इस विश्लेषण को सुने होंगे, उन्होंने उत्तर प्रदेश का विश्लेषण याद होगा, और कैसे हम लोगों ने पूरा षड्यंत्र हुआ था कि उत्तर प्रदेश में योगी को नहीं आने दिया जाए। मुझे कई बार लगता है कि वो कौन नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा चाह सकते हैं, और आज भी वो ऐसा चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री खुद युवाओं की बात करते हैं, वो इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि युवाओं को नहीं पता, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने दिनों से सरकार है बीजेपी की, उन्हें नहीं पता कि उससे पहले का क्या दौर था। और हम लोगों ने बार बार समझाया है, मैं अक्सर अपने पॉइंट से समझाता हूं कि कैसे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई कुछ महीने के लिए, तो केंद्र में सरकार आ जाएगी, उस बहाने वहां दो टेलीविजन शुरू किए थे, एक दिग्विजय सिंह ने अपनी बीवी के माध्यम से और एक सिब्बल ने अपनी पत्नी के माध्यम से, दोनों मध्य प्रदेश के बिजनेसमैन के माध्यम से शुरू कराए। और जो ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, चैनल्स बंद हो गए। ये समझिए कि क्या इन खैरातियों को क्या किया जाता है, क्या नशा पिलाया जाता है, ये उल जुलूल बकते हैं। अब सनसनीबाजों का गैंग सर चला गया है मध्य प्रदेश में खेल करने, लेकिन ये जो परसेप्शन गढ़ते हैं उसकी ऐसी हवा निकलेगी जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। तो हम इस पे लगातार सिलसिला इसका जारी रखेंगे।